नमस्कार साथियों, आप सभी को दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा मींस आपने अपने वो 10 गुण जो आपको अपने जीवन में स्वयं को तकलीफ दे रहे थे, आपने उनसे इजाद पा ली। और रिप्रेजेंटेशन के रूप में रावण, जिनमें ये सारे 10 गुण थे, ईगो से भरा हुआ, स्वार्थ से भरा हुआ, जलसी से भरा हुआ, इनजस्टिस करने वाला, काम वासना से भरा हुआ, लस्ट जिसको हम कहते हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अटैचमेंट्स, ओवर प्राइड, माद, उन सब दुर्गुणों से हमने रावण के पुतले को जला करके इजाद पा ली। इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। एक छोटी सी बात अपनी रखना चाहूंगा इस मौके पर। मन हारा तो रावण है और मन जीता तो राम है। मन हारा तो रावण है और मन जीता तो राम है। मन ही मन में चल रहा देवासुर संग्राम है। मन ही मन में चल रहा देवासुर संग्राम है। मन ही कैकेयी रानी है, मन ही मंथरा दासी है। मन ही कैकेयी रानी है, मन ही मंत्रा दासी है। मन मैला ना कीजिए, यह जीवन का साथी है। मन मैला ना कीजिए, यह जीवन का साथी है। मन ही अंगद मन बजरंगी, मन की शक्ति अपार। मन ही अंगद मन बजरंगी, मन की शक्ति अपार। मन में हो श्री राम तो कर जाए समुद्र भी पार। मन में हो श्री राम तो कर जाए समुद्र भी पार। मन के रावण का, मन के रावण का जिस दिन होगा संहार, मन के रावण का जिस दिन होगा संहार, विजयादशमी का पर्व उस दिन होगा साकार। दशहरे के इतिहास के बारे में हम जानने का प्रयत्न करते हैं। ये हमारी जो अगली पीढ़ी है उसके जानकारी हेतु मैं ये प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारी पीढ़ी में तो बहुत से लोगों को मुझे लगता है बहुत कुछ पता होगा, पता ही है, लेकिन अगली पीढ़ी को भी जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी, हमें समझना चाहिए, और उस हेतु मैं ये चीज़ आज आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। सभी पर्वों की अपनी अपनी महिमा होती है, किंतु दशहरे की महिमा जीवन के सभी पहलुओं के विकास, सर्वांगीण विकास की तरफ इशारा करती है। दशहरे के बाद पर्वों का झुंड आएगा, लेकिन सर्वांगीण विकास का श्री गणेश कराता है दशहरा। दशहरा 10 पापों को हरने वाला, 10 शक्तियों को विकसित करने वाला, 10 दिशाओं में मंगल कामनाओं और 10 प्रकार के विकारों पर विजय दिलाने वाला विजयादशमी भी कहलाता है। यह अधर्म पर धर्म की विजय है, असत्य पर सत्य की विजय है, दुराचार पर सदाचार की विजय है, अन्याय पर न्याय की विजय है, तमोगुण पर सत्वगुण की विजय है, भोग वासना पर संयम की विजय है, असुरी तत्वों पर देवी तत्वों की विजय है, एवं जीवत्व पर शिवत्व की और पशुत्व पर मानवता की विजय का पर्व है। पहला पॉइंट बताना चाहूंगा, भगवान श्री राम के पूर्वज अयोध्या के राजा रघु ने विश्वजीत यज्ञ किया। सर्व संपत्ति दान कर वे एक पूर्ण पर्णकुटी में रहने लगे। वहां कोत्स नाम का एक ब्राह्मण पुत्र आया। उसने राजा रघु को बताया कि उसे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। तब राजा रघु कुबेर पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। डर कर कुबेर राजा रघु की शरण में आए और उन्हें अश्वमी के वृक्षों पर स्वर्ण मुद्रा की वर्षा की और कोच ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ली। जो स्वर्ण मुद्राएं कोच ने नहीं ली वह सब राजा रघु ने बांट दी। तभी से दशहरा के दिन एक दूसरे को सोनपत्ती देने का रिवाज हम सब जानते हैं।
बड़े बुजुर्गों को बच्चे सोनबत्ती देने जाते हैं। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने इस दिन रावण का वध करने के लिए प्रस्थान किया। श्री राम ने रावण का वध किया, विजय प्राप्ति की, इसलिए इस दिन को विजयादशमी के नाम से प्राप्त हुआ। तब से असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय पर्व को दशहरे के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन लोग नया कार्य प्रारंभ करते हैं, शस्त्र पूजा की जाती है। कल मेरे यहाँ माता जी ने इंदौर में मेरी कार की पूजा करी, बस जो भी शस्त्रों का हम इस्तेमाल करते हैं उनकी पूजा की जाती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। दशहरा अर्थात विजयादशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है, अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। रामचंद्र जी रावण के साथ युद्ध में इसी दिन विजय हुए थे। अपनी सीमा के पार जाकर औरंगजेब के दांत खट्टे करने के लिए शिवाजी ने दशहरे का दिन ही चुना था। दशहरे के दिन कोई भी वीरतापूर्ण काम करने पर सफल होता है, ऐसी ही ऐतिहासिक मान्यताएं हैं। दशहरा हर्ष और उल्लास के साथ विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरे का पर्व 10 प्रकार के पापों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग के संप्रेरणा प्रदान करता है। देश के कोने कोने में यह विभिन्न रूपों में मनाने के साथ यह उतने ही जोश और उल्लास से दूसरे देशों में भी मनाया जाता है। दशहरा पर्व व्यक्ति में शास्त्र भाव का संवर्धन करता है। शस्त्रों का पूजन शास्त्र तेज कार्यशील करने के प्रतीकार स्वरूप किया जाता है। इस दिन शत्रु पूजन कर देवताओं की मारक शक्ति का आह्वान किया जाता है। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में नित्य उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का शस्त्र के रूप में पूजन करता है। किसान एवं कारीगर अपने उपकरणों एवं शस्त्र की पूजा करते हैं। लेखनी व पुस्तक विद्यार्थियों के ही शस्त्र ही हैं, इसलिए विद्यार्थी को उनका पूजन करना चाहिए। इस पूजन का उद्देश्य यही है कि उन विषय वस्तुओं में ईश्वर का रूप देखकर अर्थात ईश्वर से एक रूप होने का प्रयत्न करना। इवन हमारे सर्जिकल डिपार्टमेंट में भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते हैं, सर्जरी कोई भी बगैर इंस्ट्रूमेंट्स के नहीं की जा सकती, ठीक है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते हैं उनकी हम पूजन दशहरे के दिन का पूरा डिस्प्ले में निकाल के, जितना हमारे पास सर्जिकल आर्मामेंटेरियम होता है उसका हम डिस्प्ले में लाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। दशहरे वाले दिन हम कोई भी ऑपरेशन इलेक्टिवली नहीं करते हैं, केवल इमरजेंसी वर्क जारी रहती है और उन सब इंस्ट्रूमेंट्स का नियमित रूप से हर साल पूजन करते हैं। ये था इस दशहरे के पावन पर्व का आपको महत्व समझाने का एक छोटा सा मेरा प्रयत्न, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी ये हम जानकारी अपनी ओर से हम दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने पेशेंस के साथ इस पूरी बात को सुनने का मुझे वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।